नहीं किए ऑप्शन, उनको पहले चांस देना चाहिए, मतलब अगर स्टेट किसी ने क्लियर की थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हम यहाँ पे मतलब बहुत सारे मतलब यहाँ जो यूथ हैं स्पेशली मोस्टली ये जर्नलिस्ट हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे इनके व्यू पॉइंट, उनका व्यू पॉइंट क्या है। ये है मुदस्सिर साहब जो जी के से एफिलेटेड हैं। मुदस्सिर साहब आपके मतलब ख्याल क्या है? मेरे ज़ाती ख्याल, मेरे ज़ाती ख्याल ये हैं कि गवर्नर जब भी ओथ टू द ऑफिस लेते हैं वो ये ओथ लेते हैं कि आई विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये है कि जिस पार्टी के पास ज़्यादा नंबर्स होंगे, लार्जेस्ट पार्टी होगी, सबसे पहले क्लेम स्टेक वो कर सकते हैं हुकूमत बनाने के लिए। हमने कल देखा कि यहाँ पे महबूबा जी ने जो पीडीपी है उनके पास 28 के करीब सीट्स हैं, उन्होंने स्टेक क्लेम किया था। तो उसके बाद ही सजाद लोन जो है उन्होंने भी स्टेक क्लेम किया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनली सबसे पहला हक था महबूबा मुफ्ती का। अब अगर दोनों को वो बुलाते कि आप अपने नंबर जो है प्रूव कर दीजिए, तो उस हालत में सबसे पहले वो दावत महबूबा जी को मिलती क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जानते थे कि अगर हमने ऐसा किया कि इनको जो इनकी क्लेम्स हैं उनको प्रूव करने का मौका दिया, तो इसमें हमारा घाटा है। क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते थे सजादगिनी लोन जो है वो चीफ मिनिस्टर बन जाए, लेकिन नंबर्स उनके पास नहीं है, और अगर होते भी तो सबसे पहले महबूबा मुफ्ती को ये मौका मिलता। तो इस तरीके से उनका जो लॉन्ग पेंडिंग एक प्लान था जिसके लिए बहुत साजबाज हो रहा था पर्दे के पीछे, वो फेल हो जाता। तो हमने देखा कि बहुत जल्द इसको जो है असेंबली को डिसॉल्व किया गया। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो असेंबली को डिसॉल्व किया गया, इसमें गवर्नर साहब ने जो रीजंस दिए हैं उनमें कुछ ऐसी रीजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनली वो नहीं दे सकते हैं। अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट एंड उसका ये हक बनता था कि वो पार्टी को पूरा मौका दे और कहे कि आप हुकूमत बनाए। अब जो उन्होंने दूसरा रीज़न दिया है कि ये स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन सकती थी, जब पीडीपी और बीजेपी की हुकूमत बनी लोगों ने तब भी यही कहा था कि स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन सकती है, बट दिस इज़ नॉट द वैलिड आर्ग्यूमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट द गवर्नर कैन क्लेम। राजू साहब, आप कश्मीर मॉनिटर से हैं, आप मुझे बता सकते हैं क्या ये इज इट मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी? देखिए, अगर हम मान लें तो एक किस्म से असॉल्ट ही है, क्योंकि ये हर किसी देश में देखा गया है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, जो लोगों के मसले हैं, जो लोगों के कंसर्न्स हैं, जो लोगों के इश्यूज हैं उनको एड्रेस करे। लेकिन अब जो कुछ हुआ बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। गवर्नर साहब को थोड़ा सा टाइम देना था पीडीपी लेड अलायंस को, ताकि वो अपना बहुमत जो है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस साबित करे। मुझे लगता है गवर्नर साहब थोड़ा जल्दी में एक्ट कर गए। तो अब आप ये जानते ही हैं कि गवर्नर साहब जो हैं ये एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ इनकी भी ओब्लिगेशंस होती, कुछ कंपल्शंस होती, जिसके बिना पर उन्होंने ये डिसीजन लिया। तो आपको लगता है मतलब सैफुद्दीन सोज ने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, आपको लगता है कि गवर्नर ने जो ये डिसीजन लिया अंडर प्रेशर लिया दिल्ली के ऑन द बिहेस्ट ऑफ दिल्ली, ऑन द बिहेस्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट द डिसीजन हैज बीन टेकन, दैट आई कैन एडमिट, बिकॉज अभी दो साल थे और पीडीपी के पास 56 एमएलएज थे, 44 ही जो है मेजॉरिटी के लिए ज़रूरत होते हैं। तो इन स्थितियों में असेंबली डिसॉल्व करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसके जो नतीजे हैं हमें आगे देखने को मिलेंगे। आपका क्या ख्याल है? ये हया जावेद सीएम से है। तो मेरे ख्याल ये है कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए, हम देखें कि जिस टाइम यहाँ पे गवर्नमेंट बनी थी बीजेपी और पीडीपी की, उस टाइम अचानक से आपने ये भी देखा कि जो अलायंस है वो टूट गई, बीजेपी ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। तो अगर उस टाइम हम देखें कि उस टाइम क्या हालात हुए, किन वजूहात के बिना पे उन्होंने अपनी ये जो अलायंस है बीजेपी ने तोड़ दी, तो उसको गौर से अगर हम देखें उसके बाद यहाँ पर क्या हालात हुए, तो यहाँ पर गवर्नर राज नाफिस हुआ। गवर्नर को एक मौका, यहाँ के जो रीजनल पार्टीज़ हैं उनके लिए एक मौका फरहम किया गया, गवर्नर को यहाँ पे लाया गया, उन्हें मौका दिया गया कि यहाँ कोई भी जो पार्टी है वो हुकूमत बनाने की दावा कर सकती है। अभी तक आप देखिए कि गवर्नर को कितना टाइम हो गया यहाँ पे, तब से अब तक गवर्नर साहब वेट कर रहे थे कि कोई पार्टी ये दावा करेगी कि हम हुकूमत बना सकते हैं। जूँ ही कल किसी ने दावा किया, हसरत की बात यह है कि जूँ ही किसी ने दावा करना शुरू कर दिया,
क्या उसी दिन ऐसा करना था गवर्नर को कि उन्होंने यहाँ पे असेंबली तोड़ दी? ये तो ज़ाहरी तौर पे लगता है कि इसमें एक सोचे समझे मुनासिब मंसूबे के तहत ऐसा किया गया, मंसूबा बनाया गया था कि शायद यहाँ पे बीजेपी को पूरा मौका दिया जाएगा, बीजेपी यहाँ अपने पांव जमाना चाहती है। दूसरी जानिब से अगर हम ये भी देखें कि सजाद गनी लोन साहब वो भी दावा कर सकते थे कि हुकूमत बनाने का, मुझे लगता है जहाँ तक मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि अगर सजाद बजाय इसके कि महबूबा मुफ्ती ने दावा किया हुकूमत बनाने का, बजाय इसके अगर सजाद गनी लोन साहब दावा करते कि मैं हुकूमत बनाऊंगा, मुझे नहीं लगता है कि असेंबली को इस तरह तहलील किया होता। इस तरह से मुझे लगता है, जो मेरा जहन कहता है यहाँ पे कल जो दावा करती है इंडिया, दावा करती है कि एक बहुत बड़ी जमहूरी कंट्री है, जमहूरियत है यहाँ पे, लेकिन जमहूरियत का कत्ल कर दिया गया एक सोचे समझे मंसूबे के तहत। यहाँ के लोगों ने कल कम से कम जब यहाँ पे कल अल्ताफ़ बुखारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, यहाँ के नुमाइंदे से बात की, तो तब लगा था कि अल्ताफ़ बुखारी ने जो ही इस बात का एतराफ़ किया कि उन्हें सपोर्ट हासिल हो गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस का और कांग्रेस का, जब उनको महसूस हुआ था कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सपोर्ट कर रही है पीडीपी को और कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है, उसके बाद यहाँ पे लोगों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली थी कि शायद अब यहाँ पे हुकूमत बनने वाली है। लेकिन शाम को जब सारे लोग घर पहुँचे तो घर में ये खबर देखने को मिली कि गवर्नर साहब ने असेंबली ही तहरीर कर दी, तो मुझे लगता है कि सारा का सारा जो एतमाद था, जो यहाँ के लोगों को एतमाद था कि शायद यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ के लोगों की बहबूदी के लिए काम कर रही है, मुझे लगता है कि ऐसा जो भरोसा है वो सारा का सारा भरोसा कल यह है। सैयद रिजवान गिलानी साहब जो ग्रेटर कश्मीर से सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है, रिजवान साहब आप मुझे बता सकते हैं कल गवर्नर ने जो सडन डिसीजन लिया डिसोल्यूशन का, आपको नहीं लग रहा है कि ये मर्डर है डेमोक्रेसी का, स्पेशली इन जम्मू एंड कश्मीर, जब जम्मू कश्मीर की बात आती है ऐसे डिसीजन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती रहती है, 1984 में भी ऐसा ही हुआ। जी अगर हम बात करें जो ऑर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, हम उतना भी मतलब स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट मैं तो यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो होती है वो पर्सनल मीटिंग्स में डिसाइड करते हैं, क्योंकि महबूबा जी ने शी टू ट्विटर उन्होंने कहा कि ऐसे इट वॉज जैसे मतलब वो फन गेम सा बना दिया उन्होंने, सजाद लोन साहब ने अलग से ट्विटर पे ट्वीट किया, महबूबा जी ने अलग से ट्विटर पे ट्वीट किया, एंड देन दे सेड कि फैक्स वॉज नॉट वर्किंग, बट सजाद लोन साहब होता है मतलब सीनियर पॉलिटिशियन है, उनका वो व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पे डालना, दिस वॉज समथिंग चाइल्डिश। सो जबकि अगर उनको स्टे करना था फॉर गवर्नमेंट, क्लेम करना था फॉर गवर्नमेंट फॉर्मेशन, तो उसमें से ऐसा होता कि वो पर्सनल मीटिंग्स फिक्स करते उनके साथ, चाहे महबूबा जी थी या सजाद लोन साहब थे, और अच्छा था। चाहे अगर हम ये ग्रैंड अलायंस की बात करें, अगर उनका कहना था कि जैसे कल जो पीडीपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने कहा था कि उन्होंने भी कंफर्म किया था कि जी हाँ ये तीनों पार्टीज जो हमारी अपनी ये पार्टीज हैं जो मिल रहे हैं टू फाइट अगेंस्ट कम्युनल फोर्सेज, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो जे एंड के में जैसे हालात हैं उनको ये रिस्पॉन्ड करते कि अपना ग्रैंड अलायंस बना के, कोई लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी कि शायद कुछ इसका कुछ अच्छा रिजल्ट निकले, तो फिर लेकिन शाम को भी जो वो अर्जेंट वो जो डेवलपमेंट्स आई कि यहाँ से मतलब मैं भी फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ से महबूबा जी ने ट्विटर पर शेयर किया फिर लेटर यहाँ से सजाद लोन साहब ने, तो फिर बाद में जो गवर्नर साहब ने कह दिया कि उन्होंने असेंबली डिसॉल्व की, एंड उन्होंने उसके बाद जस्टिफाई भी किया कि कैसे की क्यों की, तो लेकिन अच्छा रहता कि अगर वो ग्रैंड अलायंस बन मिलता है, अगर वो कह रहे हैं कि एस्पिरेशन ऑफ पीपल। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जहूर है। कल असेंबली डिसॉल्व की गवर्नर सडनली, आपका क्या ख्याल है सर? सडनली असेंबली डिसॉल्व हुई, मेरे हिसाब से तो गवर्नर साहब को चांस देना था, जैसे कि उन्होंने पहले एक असेंबली इजलास में कहा था कि हम पूरे टर्म तक चांस देंगे कि डिसॉल्व बन जाएगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। सडनली ऐसा कुछ डिसीजन हो गया कि दोनों पार्टीज जो अलायंस ने भी किया था, उन्होंने भी प्रपोजल रखा था गवर्नमेंट बनाने के लिए, सजाद गनी लोन साहब ने भी रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी असेंबली डिसॉल्व हो गई, उसका कुछ पता ही नहीं चला। और जैसे कि टीवी भी सुना गया था कि कोई फैक्स मशीन भी नहीं चल रही थी, फ़ोन भी नहीं चल रहा था। तो आपको लग रहा है ऐसा पॉसिबल है गवर्नर हाउस में? नहीं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो ऑर्डर कैसे पास हुआ? अगर कल गेजेट हॉलीडे थी तो ऑर्डर भी कैसे पास हो गया गेजेट हॉलीडे में? यह तो कुछ ट्रैप जैसा लग रहा है। थैंक यू।